हेलो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो है सैतूत। जैसे कि आप देख रहे हैं और वीडियो में कि सैतूत जो है हमारे जो है लगभग पकने के तैयारी में आ चुका है। ये देखिए, तो अभी हमें इस पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, आज उसी पे जो है वीडियो बेस है। आपने देखा होगा कि सैतूत जहाँ हमारे लाभप्रद है और काफ़ी रसीला फल है, तो वही आपने देखा इसमें छोटे छोटे कीट चीटियाँ अनेक चीज़ें जो है हमें मिल जाती है, जिस कारण हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसा अगर आप वर्तमान में इसको देखोगे तो आपको इसमें चीटियाँ या अन्य प्रकार कोई भी कीट नहीं दिखाई देंगे, कुछ तो पका नहीं है। जो 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 है सैतूत पकेगा, इसमें जो है चीटियाँ हो गई, अन्य चीज़ें जो है आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी जाए। ये देखिए, तो हमने बगीचे में देखा कि सैतूत हल्का पकने को तैयार हो रहा है, क्योंकि गर्मी के कारण भी जो है फल जल्दी पक जाता है। तो हमने इस पे क्या करना है, हमने सबसे पहले इस पे जो है वर्तमान में नमक, जो हम साधारण रूप से जो नमक यूज करते हैं, उस नमक का यूज करना है। तो लगभग हमें 15 लीटर पानी में 100 ग्राम जो है नमक, 15 से 20 लीटर जो है हम पानी में जो है 100 ग्राम नमक का हम घोल बनाएंगे, जिससे हम स्प्रे करेंगे। नमक के स्प्रे से ये फायदा होगा कि उसमें कीट जो हमें दिखते हैं वो नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि नमक एक अपने आप में जो है कीटनाशक भी है। तो हमें जो है इस पर नमक की स्प्रे करनी है, और जिससे हमें फायदा ये मिलेगा कि उसमें चींटियाँ हो गई या अन्य प्रकार की जो हमें छोटे छोटे जीवाणु के कीटाणु दिखते हैं वो पनप नहीं पाएंगे और वो वहीं पर ही नष्ट हो जाएंगे, और हमें साफ सुथरा सैतूत मिल जाएगा, और जिससे हमें बिक्री में भी आसानी होगी, क्योंकि ग्राहक जब भी देखता है तो जांच करके लेता है, तो उसमें जब चींटियाँ या अन्य चीज़ें दिखती हैं तो ग्राहक नहीं लेता है। तो हमें जो है इस बार नमक की स्प्रे करनी है। अगर आपने नमक की स्प्रे नहीं की है तो आज ही अपने बगीचे में देखें और नमक की स्प्रे इस बार करें, उससे देखना कि आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, फायदा क्या क्या मिलता है। तो हमें नमक की स्प्रे करनी है, 15 से 20 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक का हम घोल बनाएंगे, जिसे हम फौरानुमा स्प्रे करेंगे। तो इस बार ट्राई कीजिएगा और पूरी वीडियो देखें, वीडियो शेयर करें। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी बताएं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, पूरा वीडियो है, थैंक यू।